चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं लोकसभा, जहां इस वक्त पीएम नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। देश की सेवा करने के लिए दोबारा बिठाया है। माननीय अध्यक्ष जी, एक व्यक्ति के रूप में जीवन में इससे बड़ा कोई संतोष नहीं होता है जब जनता जनार्दन, जो कि ईश्वर का रूप होती है, वो आपके काम को अनुमोदित करती है। ये सिर्फ चुनाव की जीत और हार आंकड़े उसका खेल नहीं है जी, ये जीवन की उन आस्था का खेल है जहां कमिटमेंट क्या होता है, डेडिकेशन क्या होता है, जनता जनार्दन के लिए जीना, जनता जनार्दन के लिए जूझना, जनता जनार्दन के लिए खपना, ये क्या होता है, ये 5 साल की अखंड एक निष्ठ अविरत तपस्या का जब फल मिलता है तो उसका संतोष एक आध्यात्म की अनुभूति कराता है। और इसलिए कौन हारा कौन जीता इस दायरे में इस चुनाव को देखना मेरे सोच का हिस्सा नहीं हो सकता है। मैं इससे कुछ आगे सोचता हूं और इसलिए मुझे 130 करोड़ देशवासियों के उनके सपने, उनकी आशा आकांक्षा ये मेरे नजर में रहती है। माननीय अध्यक्ष जी, 2014 में जब देश की जनता ने अवसर दिया, पहली बार मुझे सेंट्रल हॉल में वक्तव्य देने का मौका मिला था और सहज भाव से मैंने कहा था कि मेरी सरकार गरीबों को समर्पित है। आज उस 5 साल के कार्यकाल के बाद बड़े संतोष के साथ कह सकता हूं, और जो संतोष जनता जनार्दन ने ईवीएम के बटन को दबा करके भी व्यक्त किया है, सांसदों का आभार व्यक्त करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने साथ ही सभी मतदाताओं का अभिनंदन किया। मान प्रताप सारंगी जी ने और आदिवासी समाज से आई हुई हमारी बहन डॉक्टर हिना गावित जी ने जिस प्रकार से विषय को प्रस्तुत किया, जिस बारीकी से चीजों को रखा, मैं समझता हूं उसके बाद मैं कुछ भी न बोलूं तो भी बात पहुंच। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे देश के जितने भी महापुरुष हुए सार्वजनिक जीवन में, जिन्होंने मार्गदर्शन किया, उन्होंने एक बात हमेशा कही और वो अंत्योदय की कही, आखिरी छोर पर बैठे हुए इंसान की भलाई की बात कही, चाहे पूज्य बापू हो, चाहे बाबा साहब आम्बेडकर हो, चाहे लोहिया जी हो या दीनदयाल जी हो, हर किसी ने इसी बात को कहा। पिछले 5 साल के कार्यकाल में हमारे मन में यही भाव रहा, जिसका कोई नहीं है उसके लिए सरकार ही सिर्फ होती है। हमने देश आजाद होने के बाद एक ऐसा कल्चर जाने अनजाने में स्वीकार कर लिया, या तो उसको बढ़ाने में मैं बल दे दिया, और मैं शब्द प्रयोग हम करता हूं, मैं किसी पर आरोप नहीं लगाता, हमने न जाने अनजाने में एक ऐसा कल्चर प्रसारित किया जिसमें देश के सामान्य मानवीय को अपने हक के लिए व्यवस्थाओं के साथ जूझना पड़ता है, जद्दोजहद करनी पड़ती है, उसको लड़ना पड़ता है। कई साझेदारी के लिए वो निकला था,
क्या सामान्य मानवीय से हक की दीजिए? सहज रूप से व्यवस्था के तहत जिसका वो हकदार है वो उसे मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? और मिले या न मिले, वो शिकायत करे या न करे, हमने मान लिया था कि ये तो सब ऐसे ही चलता है। मैं जानता हूं इस चीजों को बदलने में कितनी मेहनत लगती है, राज्यों को भी ऑन बोर्ड लाने में कितनी तकलीफ होती है, और 70 साल की बीमारियों को 5 साल में पूरा करना कठिन होता है। लेकिन मैं संतोष के साथ कह सकता हूं कि हमने दिशा वो पकड़ी, कठिनाइयों के बावजूद भी उस दिशा को हमने छोड़ा नहीं। न डाइवर्ट न डाइल्यूट, हम उस मकसद से चलते रहे और ये देश दूध का दूध पानी का पानी भली भांति कर सकता है। और उसने शौचालय को सिर्फ चार दीवार नहीं समझा, घर में चूल्हा पहुंचा तो सिर्फ खाना ढंग से पका उतना नहीं समझा, उन हर व्यवस्था के पीछे उस मकसद को उसने समझा कि आखिरकार ये क्यों कर रही है सरकार। मैंने तो चूल्हा मांगा नहीं था, मैंने तो बिजली के कनेक्शन के बिना जिंदगी गुजार दी थी, वो क्यों कर रहे हैं? पहले प्रश्न उठता था क्यों नहीं करते हैं, आज उसके मन में विश्वास पैदा हुआ ये क्यों करते हैं? क्यों नहीं करते हैं से लेकर के क्यों करते हैं, ये यात्रा बड़ी लंबी थी, लेकिन उसमें विश्वास भरा हुआ था जिसने अपनेपन को उजागर कर दिया, और जो आज देश में एक नए सामर्थ्य की अनुभूति करा। तो अभी आपने सुना कि लोकसभा में इस वक्त पीएम नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण के जवाब में कह रहे थे।